उनसे उनके साथ हेलो हाय होती रहती है, लेकिन ये कि क्रिकेट के बारे में इस तरह कोई बात मेरी उनसे नहीं हुई। और क्योंकि मैं जब टीम में भी था तो वो टेक्निक वगैरह तो जाते ही नहीं है, वो इस तरह के कोच है कि वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे। तो लेकिन टेक्निक में जब मैं टीम में भी था तो वो उस तरह काम नहीं करते थे, वो बस आपको मेंटली रिलैक्स रखते थे। और मेरे भी कभी कभार बात होती है तो जस्ट हेलो हाय होती है, उसके इससे ज़्यादा बोलिए। गलतियाँ निकालना ही तो कोचेज वगैरह सेलेक्टर्स जो है उनका काम है, लेकिन हम लोग दो टेस्ट हार गए तो हमें यही चाहिए कि देखें हर प्लेयर अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता है कि वो परफॉर्म करें। अब अगर नहीं हुआ और जिस तरह हमारी मैनेजमेंट है, नई मैनेजमेंट है, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और हम लोग उम्मीद यही रख रहे हैं कि क्योंकि आप देखें पहले टेस्ट के मुकाबले में दूसरी में बैट्समैनों ने भी अच्छा कमबैक किया, तो यह कि हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें और बाकी श्रीलंका टीम के तैयारी करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मेन बात है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट सुबह ही पहुँचा हूँ, अभी मैं मैच भी खेलने जाता यहाँ फर्स्ट क्लास पर, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि विकेट पे मैं टाइम ज़्यादा गुजारूँ। और मेरी भी यही कोशिश होगी अगले इनिंग में भी कि विकेट पे लंबा टाइम गुजारूँ, और क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्टे नहीं कर पा रहा विकेट पर, और मेरी यही कोशिश होगी। और बाकी जो काम है टेक्निक पे या कोशिश कर तो मैं कर रहा हूँ। हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में आ रहे हैं और जो जितनी हो सकती है हमसे मेहनत वो कर रहे हैं और बाकी देखें क्या बिल्कुल लाजिम सी बात है। हम लोग प्रोफेशनल प्लेयर हैं और जब फॉर्म नहीं लगी होती तो फिर काफ़ी हमारे हेड कोचेज डोमेस्टिक में उनसे वैसे भी रास्ते में होते हैं, और फिर जब इस तरह सिचुएशन आती है तो उनके साथ फिर स्पेशली काम भी करते हैं। अभी भी मैं जिस तरह हमारे अफ्ताब खान है अभी भी लिखे हुए हैं और तो मैं उसके साथ काफ़ी काम कर रहा हूँ, और मुझे फील भी हो रहा है कि मेरी काम जो है वह बता रही है, तो बिल्कुल काम करते हैं। और जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे भी बिल्कुल चीज़ भी बात नहीं है कि काम में अपने जो हमारे खाने के बिल्कुल मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मदरन के बॉलर्स को भी क्रेडिट दूंगा, उन्होंने जिस तरीके से आखिरी सेकंड में बॉलिंग की, और हालांकि मेरे ख्याल में विकेट इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था फास्ट बॉलर को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लाइन लेन के डिसिप्लिन बॉलिंग की तो उनको भी ज़्यादा। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कल अच्छा कर देंगे।